हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है इंदौर जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है इंदौर मध्य प्रदेश से जम्मू तवी तक चलने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये हफ्ते में एक दिन ही चलती है। इंदौर जंक्शन मध्य प्रदेश से यह हर सोमवार को जम्मू तवी के लिए रवाना होती है और ये 25 घंटे 30 मिनट पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इस ट्रेन का नंबर है 22941 और ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं और 1412 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें इंदौर जम्मू तवी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो इंदौर से जम्मू तवी तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। सेकेंड एसी का जो इंदौर से जम्मू तवी का जो किराया है वो है 2300 रुपये, जिसमें GST चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होते हैं। थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1590 रुपये, इसमें भी रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये इंदौर से जम्मू तवी तक का बता रहा हूँ। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 600 रुपये, इसमें कोई GST चार्ज नहीं लगता, बस रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होते हैं। इसके अलावा इंदौर जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है 335 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया है ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके कन्फर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इंदौर जम्मू तवी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके इंदौर से जम्मू तवी तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेन है इंदौर जंक्शन से हर सोमवार को रात के 11:55 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है देवस जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:36 पे और 12:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद इंदौर जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो उज्जैन जंक्शन में रात के 1:30 पे पहुंचती है और 1:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नगदा जंक्शन में पहुंचती है रात के 3:05 पे और 3:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ट्रेन जो है रिवर्स भी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है राजस्थान के भवानी मंडी स्टेशन में पहुंचती है। भवानी मंडी में ये 4:48 पे सुबह पहुंचती है और 4:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कोटा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 6:10 पे और 6:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद इंदौर जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है सवाई माधोपुर जंक्शन में पहुंचती है। यहां पर ये 7:35 पे पहुंचती है सुबह और 7:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गंगापुर सिटी में पहुंचती है सुबह 8:30 पे और 8:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन में सुबह 11:15 पे पहुंचती है और 11:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दिल्ली सफदरगंज में दोपहर के 2:10 पे पहुंचती है और 2:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा के पानीपत जंक्शन में पहुंचती है शाम के 4:18 पे और 4:20 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अंबाला कैंट जंक्शन में पहुंचती है शाम के 6:35 पे और 6:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंजाब में एंटर करती है। पंजाब का जो पहला स्टेशन है इस ट्रेन का वो है लुधियाना जंक्शन। यहां पर ये रात के 8:27 पे पहुंचती है और 6 मिनट बाद 8:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 6 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलंधर कैंट जंक्शन या जलंधर छावनी जंक्शन में रात के 9:25 पे पहुंचती है और 9:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंजाब के आखिरी स्टेशन पठानकोट कैंट, जो कि इस ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टेशन है, यहां पर ये 11:04 पे पहुंचती है रात को और 11:09 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद इंदौर जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन जम्मू तवी स्टेशन में पहुंचती है रात के 1:25 पे और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों, इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।